मौसम चेंज होता है और बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं। सर्दी, जुखाम, वायरल, ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है। कैमरा रिपेयर करा लिया है सैमसंग सर्विस सेंटर से, थोड़ा सा फुटेज सही लग रही है, देखते हैं कैसा है। वैसे अब तो थोड़ा सा क्लियर आना चाहिए, अभी अभी पूरा कवर चेंज हुआ है इसका। अच्छा है, मुझे तो खैर फुटेज ठीक लग रही है, बाकी अभी जब हम और इसे कुछ शूट करेंगे तब पता चलेगा। यहाँ पर चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम और शायद मार्बल की घिसाई हो रही है जिसकी वजह से बहुत आवाज़ आ रही है। तो फाइनली बन गया मेरा फ़ोन और खुशी है क्योंकि कोई भी टूटी हुई चीज़ अच्छी नहीं लगती है जब अपने पास होती है। तो ये जो आवाज़ है ना, ये इरिटेटिंग आवाज़ सुबह से चल रही है जिसकी वजह से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, सुबह से शाम हो गई, लेकिन एक वीडियो डालनी है यूट्यूब पर। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि सर्दी जुकाम, अभी मौसम चेंज हो रहा है, धीरे धीरे बरसात चली गई है और अक्टूबर आ रहा है, इस वक्त मौसम चेंज होता है और बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं। सर्दी, जुकाम, वायरल, ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जुकाम जब हो जाता है, सर्दी जुकाम जब होता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें सर्दी जुकाम में राहत मिले या सर्दी जुकाम हमें ना हो। तो सर्दी जुकाम हमें ज़्यादातर होता है हमारे लंग से लेकर के हमारे नॉस्ट्रिल्स, यानी हमारे नॉस्ट्रिल्स से जो भी हम सांस अंदर लेते हैं, हमारे गले से पास होते हुए हमारे लंग्स हमारे चेस्ट तक जाती है और इसी एरिया में ही हमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। अगर हमें खांसी भी आती है तो हमारे लंग्स हमारे चेस्ट ये दर्द करते हैं या फिर हमारी नाक बहती रहती है। इसका सीधा सा कारण है क्योंकि हम नाक से हवा को लेते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते हैं, डस्ट, बैक्टीरियाज, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर जाती रहती हैं और जब इनका एक एक्सेस लेवल पहुंच जाता है तो हमारा शरीर अपने आप उसे बाहर थ्रो आउट करता है, जिसको हम जब नाक साफ करते हैं तो हम काफ़ी सारा बलगम हम बाहर निकालते हैं। गले में जब हमारी खराश होती है, जब हमें खांसी आती है तो काफ़ी बलगम बाहर निकलता है, तो वो सारा जो है वेस्ट हमारे बॉडी के अंदर जो इकट्ठा हो चुका है उसको हमें बाहर निकालना होता है। कई बार जब हम बहुत ज़्यादा बाहर का खाना या ठीक से लाइफस्टाइल हमारी नहीं होती है तो भी हमें ये बीमारी घेर लेती है। एक्सेस ऑफ मेडिकेशन, जब हम बहुत ज़्यादा हर चीज़ पे हल्का सा बॉडी पेन हुआ या सर दर्द हुआ या कोई भी ऐसी परेशानी हुई तो हमने दवा खाना शुरू कर दी, तो ये एक्सेस ऑफ जो मेडिकेशन है वो भी हमारे शरीर नुकसान पहुँचाती है। अगर आपको जुकाम हो गया है तो कोई बात नहीं, अब इसको हम ठीक कैसे करें? तो हमारा चेस्ट और हमारे गर्दन, इसका बहुत अहम रोल होता है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ हम खाना खा रहे हैं, हवा अंदर ले रहे हैं, तो वो सब हमारे गले से पास होते हुए, क्योंकि फूड पाइप, विंड पाइप, सब कुछ हमारे गले से पास होते हुए और नीचे तक हमारे पेट तक जाती है। तो इसके लिए हमें अपने गले और अपने चेस्ट पे फोकस करने वाली जो योगासन है, जो एक्सरसाइजेज हैं, वो करना बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ चार योगासन जो आप सर्दी जुकाम को दूर करने के लिए कर सकते हैं। दो सबसे अच्छे आसन है सर्वांग आसन और हलासन, बट ये दो आसन सब लोग नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों को एनलार्ज थायराइड है या उनका लिवर या स्प्लीन एनलार्ज है वो ये चीज ना करें। जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो लोग भी इन दो आसनों को ना करें। चलिए जानते हैं कि सर्वांग आसन और हलासन कैसे करते हैं। जब हम सर्वांग आसन और हलासन करते हैं तो हमारे गले पे, हमारे चेस्ट पे एक अच्छा खासा प्रेशर आता है, जिसकी वजह से हमारे चेस्ट, हमारे लंग्स में, हमारे गले में जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी धीरे धीरे दूर होती हैं। तो सर्वांग आसन के लिए आप अपने मैट पर सीधे लेट जाए, अपने हाथों को, पाम्स को फेसिंग डाउनवर्ड्स, पूरी तरीके से रिलैक्स, अपने दोनों पैरों को सीधा ऊपर की ओर लेके जाएंगे 90 डिग्रीज पर और फिर यहां से ही अपनी कमर को उठाएंगे ऊपर, अपने हाथों से मैट पर नीचे की ओर पुश करें, कमर को ऊपर उठाएं और अपने हाथों को अपने कमर पर रखते हुए अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेट करेंगे। तो ये है सर्वांगासन, इसे हमारे गले पर बहुत जोर पड़ता है, हमारे शोल्डर्स, हमारे सर पर, यहाँ हम 5 से 10 सेकंड तक रुकेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पर और फिर आराम से नीचे। हल आसन के लिए भी हमें सर्वांग आसन में पहले जाना होगा, तो अपने पैरों को ऊपर, हाथों को नीचे पुश करते हुए बॉडी को ऊपर उठाएंगे, पूरा बॉडी वेट
हमारे शोल्डर्स पर, धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे, अपने सर के पीछे लगाएंगे, हाथों को सीधा कर ले, पैरों को सीधा, हलासन। वापस। तो सर्वांगासन और हलासन, इन दोनों आसनों में हम 5 से 10 सेकंड तक, जितनी देर भी हम कंफर्टेबल हो, जितनी देर तक हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़ रहा हो, उतनी देर तक हम इस आसन में बने रह सकते हैं। कोशिश करें कि जो हमारा बॉडी का जो पोस्चर है वो सीधा रहे। चलिए, इसके बाद है हमारा दूसरा आसन जो कि है मत्स्यासन। तो मत्स्यासन भी लगभग सभी लोग कर सकते हैं, पर जिनको हार्ट डिजीजेज है, जिनको हर्निया है, जिनको पेप्टिक अल्सर है, वो लोग इस आसन को अवॉइड करें तो अच्छा होगा। तो मत्स्य आसन के लिए भी हम अपने मैट पर सीधे लेट जाएं, हाथों को नीचे की ओर, बॉडी को पूरा रिलैक्स रखें, अपने हाथों को उठाते हुए अपने शोल्डर और अपने कानों के पास रखते हुए नीचे की ओर पुश करें, ताकि हमारी बॉडी ऊपर की ओर उठेगी। अपने सर को नीचे लगाएंगे और अपने हाथों को साइड्स में, इससे हमारा पूरा लंग्स चेस्ट ओपन अप होता है, हमारी गर्दन पर पूरा असर आता है। मत्स्यासन, इस आसन में भी हम 5 से 10 सेकंड तक जितनी देर हम कंफर्टेबल हैं होल्ड करेंगे, और फिर अपने हाथों को लगाते हुए वापस। मत्स्यासन भी हम 5 से 10 सेकंड तक जितनी देर भी हम कंफर्टेबल हैं, 2 से 3 राउंड इसको हम आराम से कर सकते हैं। मत्स्यासन में भी 3 वेरिएशन है, अभी जो मैंने आपको बताया ये सबसे आसान सबसे सरल आसन है मत्स्य आसन का। तो इसमें कोई भी इंसान जो बिगिनर्स है वो भी इसको कर सकते हैं, और जो एडवांस लेवल के लोग हैं वो भी इसको कर सकते हैं। तो हमारा चौथा आसन है शशांक आसन। तो शशांक आसन एक बहुत ही सरल और आसान आसन है, पर जिन लोगों को बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या वर्टिगो की प्रॉब्लम है, वो लोग इस आसन को ना करें, इस आसन को अवॉइड करें। तो शशांक आसन के लिए हम अपने दोनों घुटनों पर आते हुए अपने हील्स पर बैठेंगे। हमारे हील्स, हमारे टोस, बिग टो, हमारे पैर का अंगूठा एक दूसरे से टच, एड़ियां हमारी, हील्स हमारी बाहर की ओर निकली हुई, अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए ऊपर की ओर पूरा उठाएं, इनहेल, सांसों को अंदर भरें और सांसों को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे हम आगे की ओर आएंगे, कि हमारा पेट हमारी थाइस पर, हमारा सीना हमारे घुटने पर और हमारे हाथ आगे सीधे, अपने हिप्स को पीछे, अपने हील्स पर रखें। धीरे धीरे कोशिश करें कि आपका चिन नीचे मैट से लगे। इस आसन में भी हम 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। धीरे धीरे आराम से इनहेल, धीरे धीरे आराम से एक्सहेल, और फिर वापस ऊपर और हाथों को नीचे। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सर्दी जुखाम एक बहुत ही इरिटेटिंग बीमारी होती है, जिसमें आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना कुछ खाना अच्छा लगता है, ना ही कुछ आपको पीना अच्छा लगता है, ना ही आराम करना अच्छा लगता है, ना ही जग के बैठकर कुछ काम करना अच्छा लगता है। बट अगर ये बीमारी हमारे अंदर बहुत दिनों तक बनी रहती है तो ये हमारे अंदर कई और बीमारियों को भी पैदा कर देती है। तो ये बीमारी, खास करके सर्दी जुखाम, हमारे से जितनी जल्दी जितना दूर हो सके उतनी अच्छी चीज़ होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो 4 आसन है ये आपको इस साल इस मौसम में सर्दी जुखाम नहीं होने देंगे और आप एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अपने आस पड़ोस कोई भी इंसान जो सर्दी जुखाम से परेशान है उसके साथ में भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद एंड टेक केयर।